हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अ इंग्लिश क्लास। आई होप एवरी वन हैज़ लर्न लेसन नंबर 5 एंड डन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन द नोटबुक। सो नाउ टुडे यू विल बी डूइंग द वोकैबुलरी एक्सरसाइज। यू कैन ओपन पेज नंबर 80 एंड विल डू द वोकैबुलरी। सो टुडेज वोकैबुलरी टॉपिक इज सफिक्स। व्हाट इज़ अ सफिक्स? Suffix is added at the end of a word to change its function. End of a word, यानी कि किसी word के आखिरी में जो words लगाए जाते हैं उनको suffix बोलते हैं, और उसका function change हो जाता है, उसका meaning change हो सकता है। There are many suffixes such as ed, ed, ous, ful, full, and any double s. By adding suffixes, a noun can be changed to an adjective, a verb to an adverb, an adjective to a noun, or a verb to an adjective, or an adjective to an adverb. यानी noun से verb, adverb, adjective या vice versa कुछ भी हो सकता है। कुछ examples यहाँ पे दिए हैं। beauty plus full becomes beautiful. beauty is a noun, सुंदर। beauty means सुंदरता और beautiful means सुंदर। रैपिड मीन्स फास्ट, और उसमें इटी यूज़ करेंगे, आई टी वाई, रैपिडिटी यानी तेज़ी। रैपिड फास्ट, रैपिडली तेज़ी से, जो तीसरा वर्ड है। मिस्ट्री प्लस ओ यू एस, मिस्ट्रीरियस। मिस्ट्री मतलब कुछ रहस्य, कुछ राज जैसा, ठीक है। और मिस्टीरियस मतलब ऐसा जिसमें बहुत कुछ राज जैसा हो। टेस्ट प्लस वाई, टेस्टी। हरिड मतलब जल्दी, जल्दी जल्दी। हरिड मतलब जल्दी जल्दी से। ईजी, ईजीली। केयर, केयरफुल। सो ये सब सफिक्सेस लगाने से उनके मीनिंग्स चेंज होंगे। अच्छा, जस्ट अ रिकैप ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, ठीक है, कॉमन नाउन। तो नाउन मीन्स किसी चीज़ का नाम या उसकी डेफिनेशन। एडजेक्टिव मतलब उसकी कुछ स्पेशलिटी, हम नाउन की बताते हैं तो वह एडजेक्टिव होता है। वर्ब मतलब डूइंग वर्ब, डूइंग वर्क, है ना, कुछ कर रहे होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, ये सब डूइंग वर्ब है। और एडवर्ब, द मैनर इन विच वर्ब इज़ डन, किस तरह से कर रहे हैं, देरी से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ये सब एडवर्ब कहलाता है। तो ये सब सफिक्सेस से वो एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाते हैं। नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स। रीड ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस एंड से वेदर द हाइलाइटेड वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और अ नाउन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। द बॉक्स इज फुल ऑफ कलर्स। कलर्स क्या है? नाउन है। सेकेंड, रेनू मेड अ कलरफुल पेंटिंग। तो कलरफुल बिकम्स एडजेक्टिव। देखो, कलर के एंड में फुल लगा तो वो एडजेक्टिव बन गया। नंबर टू, देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर इफ़ यू प्ले विथ फायर। डेंजर नाउन है। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ स्नेक्स। अब डेंजरस हो गया, ओ यू एस लगा तो वो एडजेक्टिव बन गई, यानी डेंजर से भरा हुआ। डेंजर मीन्स खतरा, डेंजरस मीन्स खतरनाक। ओके, नंबर थ्री, देयर वॉज नो सीट इन द क्राउडेड बस। क्राउडेड मीन्स भीड़ से भरी हुई। सो क्राउडेड इज एन एडजेक्टिव। देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड। क्राउड मीन्स नाउन है, वो भीड़। नंबर फोर, नैट्स हाउस वॉज वेरी कम्फर्टेबल। कम्फर्टेबल इज एन एडजेक्टिव। नैट लिव्ड कम्फर्टेबली इन हिज हाउस इज अ, सो कम्फर्टेबली इज अ एडवर्ब। ओके, यू कैन टर्न द पेज नाउ। दिस एक्सरसाइज एड सूटेबल सफिक्सेज to these words to make new words, then make sentences with any 6 words. So I'll just call out these words: accident, cook, happy, brother, divide, warm, music, play, sad, love, tasty, work. Okay, so I have written this in a notebook and you will also write it in a notebook. So ye maine notebook pe likh liya hai. Accident, accidentally. Cook, cooked. Happy, happiness. Brother,
ब्रदरहुड, ये एक नया सफिक्स लगाया है मैंने, एच डबल ओ डी। डिवाइड डिवाइडेड, वॉर्म वॉर्म्ड, म्यूजिक म्यूजिकल, प्ले प्लेफुल, सैड सैडनेस, लव लव्ड, टेस्टी टेस्ट, वर्क वर्कड। तो ये सारे हमने न्यू वर्ड्स बना लिए। यू हैव टू मेक सेंटेंसेज ऑन एनी सिक्स। आई हैव मेड सेंटेंसेज ओनली ऑन थ्री। आप बाकी के थ्री आप कोई भी तीन चुनोगे और आप बनाओगे। सो दिस वन सेंटेंस मैंने एक्सीडेंटली लिया, शी एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन द बनाना पील। दूसरा मैंने लिया ब्रदरहुड, ब्रदर मतलब भाई, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। ब्रदरहुड इज़ अ थॉट ऑन विच एंटायर ह्यूमैनिटी कैन सर्वाइव। नंबर थ्री आई टुक प्लेफुल, द चाइल्ड इज़ वेरी प्लेफुल इन द आफ्टरनून एंड डज नॉट लेट हर मदर स्लीप। ओके, सो दिस फिनिशेज द वोकैबुलरी एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास विल मोस्ट प्रोबेबली हैव ग्रामर टॉपिक्स। थैंक यू चिल्ड्रन।